यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रेन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रेन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। नरेशन चैप्टर में पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि किस तरह से हम जानते हैं कि यह डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, और कैसे उसके सेंस को लेकर के हमने देखा था कि उसमें किस तरह के चेंजेज आते हैं। मोटी मोटी रूप में हम लोगों ने देखा था कि उसके सेंस को ही पकड़ करके हम चेंज करते हैं, हमें किसी रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको ध्यान में रखें, अगर उसके सेंस को हम पकड़ लेंगे तो बड़े आसानी से हमारा वो चेंज हो जाता है। आज हम लोग, और मोटे तौर पर हमने देखा था कि हम उसमें चेंजिंग जो करते हैं, मुख्य रूप से हमारा जो परिवर्तन हुआ, हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग हुई थी, रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग हुई थी, और रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में क्लियरली बता दिया है कि किस तरह से अगर हमारा अगर प्रेजेंट टेंस में है, टेल या टेल्स दिया हुआ, मतलब से या सेज दिया हुआ है, उसके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो टेल्स या टेल में बदल देते हैं। और यह भी हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो से या सेज ही रहने देते हैं। इस तरह से पास्ट का भी हमने देखा था कि टोल्ड और का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब सेड या और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो टोल्ड में बदल देते हैं, अगर नहीं ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड में ही रहने देते हैं। ये पीछे के लेक्चर में हम ये सारी बातें कर चुके हैं। आज हम लोग उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हमारे सामने मुख्य रूप से मोटी मोटी चीज़ें निकल के आई थी कि हम पर्सन में चेंज करते हैं, टेंस में चेंज करते हैं, वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू द अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में करते हैं, और जनरल रूल और स्पेसिफिक रूल और साथ ही साथ एक्सेप्शनल रूल इसमें निकल करके आते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी आई थी हमारी, वो चेंज इन द पर्सन। आज हम लोग क्लियरली समझेंगे कि पर्सन में जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आते हैं, वो उन पर्सन में चेंजिंग कैसे आती है, क्योंकि यह चेंजिंग का ही खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये हमारे समझ में नहीं आएगी तो बिल्कुल हम कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सही ढंग से बना नहीं पाएंगे। तो नंबर, पर्सन, जेंडर और केस के चार्ट को हमने क्लियरली पिछले लेक्चर में नंबर के बारे में, केस के बारे में, जेंडर के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, इन सारी चीज़ों का वेल डिस्कशन लेक्चरों में किया है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को नहीं देखा है तो आप जाकर के पिछले लेक्चरों को जरूर देखें, लेकिन फिर भी हम यहाँ ब्रीफली उसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके हम इसको यहाँ क्लियरली समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम जो है चेंजिंग इन द पर्सन करेंगे, चेंज कैसे पर्सन में होता है, इसको पहले हम सेंस से पकड़ेंगे कि हिंदी का जो सेंस है उस सेंस के हिसाब से हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, सेंस के साथ ही साथ हमको कुछ रूल रेगुलेशन की भी ज़रूरत है, तो हम उस पे भी आएंगे और उसको ट्रिकली और बिल्कुल लॉजिकली समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पे आप, आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लेक्चर के अंत तक बने रहिए ताकि आपका जो पर्सन का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और क्लियर होने के बाद निश्चित रूप से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सही ढंग से बना पाएंगे। तो आज हम जो पर्सन में चेंजिंग करेंगे, हम सिर्फ हमारा फोकस होगा पर्सन पे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया है कि हम टॉपिक वाइज इसको लेके चलेंगे। हम पर्सन को पहले क्लियर करेंगे, फिर हम मतलब टेंस को क्लियर करेंगे, फिर नियरनेस फॉरनेस की बात करेंगे, वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। सारी चीज़ों को हम एक एक करके, पार्ट पार्ट, पुर्जों पुर्जों में इसको तोड़ तोड़ करके क्लियर करके जब हम कर लेंगे, तो फिर हम आपको फाइनली जो है सेंटेंस के बारे में भी बता करके, सारी चीज़ों को बता करके हम फाइनली जोड़ेंगे जब इसको, तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये सेट होने वाला है। तो आज हम सिर्फ हम फोकस करेंगे पर्सन, चेंज इन द पर्सन। तो पर्सन हमने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी पास्ट टेंस में रहती है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए जो सेंटेंस होते हैं, जो टेंस होता है, उसमें हम चेंजिंग करते हैं। तो इसलिए उससे बचने के लिए आपका ध्यान बहुत ज़्यादा उधर टेंस की तरफ ना जाए, आपका माइंड जो है इधर उधर डाइवर्ट ना हो, आपका माइंड एक जगह फोकस हो, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब जो लेंगे, प्रेजेंट टेंस लेंगे और फ्यूचर टेंस का लेंगे, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। यानी टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर्सन में चेंज होगा, तो उस पर्सन पे आपकी एनर्जी बनी रहेगी। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रख करके हम कोशिश करेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हो हमारी प्रेजेंट टेंस में ही हो, जिससे आपका टेंस की चेंजिंग का प्रॉब्लम समाप्त हो, उस पर आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, और स्पेशली आप अपनी एनर्जी को पर्सन पे फोकस कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमें कुछ बातें जरूर जाननी है, व्यक्ति के बारे में जानना है,
पर्सन को ही चेंज हम करेंगे तो पर्सन को हमें समझना है। तो पर्सन आप जानते हो कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर पर्सन तीन तरह के होते हैं। उन तीन पर्सनों में हम फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष और सेकंड पर्सन यानी द्वितीय पुरुष और थर्ड पर्सन यानी तृतीय पुरुष की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन पर्सन के बारे में हमने हालांकि वेल डिस्कशन प्रीवियस लेक्चरों में किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर देखें, लेकिन आज हम आपको इतना जरूर बता देते हैं कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो वक्ता होता है, जो बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, और जो उस वक्ता की बात को सुनता है, जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप इस समय सेकंड पर्सन हो, और हम फर्स्ट पर्सन हैं आप सेकंड पर्सन हो, और जो जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो होता है थर्ड पर्सन, वो हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है। तो ये चीज़ है मुख्य रूप से, यानी जो वक्ता होता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है, जो श्रोता होता है वो सेकंड पर्सन में होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है जो वहाँ उपस्थित नहीं होता वो थर्ड पर्सन में होता है। मेरी जगह पे आप बोलोगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे, अगर मैं सुनता हूँ तो मैं सेकंड पर्सन हो जाऊँगा, और जिसके बारे में बात की जाएगी जो यहाँ एब्सेंट है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये चार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर इसको हम दिमाग में सेट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, यानी पर्सन चेंज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए थोड़ी सी बातें हम करेंगे, और यही हमारा ये पर्सन की चेंजिंग की जान है, अगर इसको हम समझ लेंगे तो हमारा पर्सन मुट्ठी में होगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम पर्सन की बात करते हैं। अभी मैंने बात किया कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, और ये भी आप जानते हैं कि सिंगुलर होता है प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन हमने यहाँ देखिए नोमिनेटिव केस की बात किया है, कर्ता कारक, कर्ता यानी जो कार्य को करने वाला होता है वो कर्ता कारक होता है, यूं कहें कि वो फर्स्ट पर्सन है। दूसरा हमने यहाँ लिया है पोजेसिव केस। इस पोजेसिव केस में दो पार्ट हो जाते हैं, एक पोजेसिव एडजेक्टिव की बात आएगी, और दूसरा जो है पोजेसिव प्रोनाउन की बात आएगी। पोजेसिव प्रोनाउन आप पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में, और एडजेक्टिव यानी विशेषता बताएगा, उस पर अधिकार भी दर्शाएगा और ये अधिकार दर्शाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। तो इसको हम समझते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन में आई को देखते हैं, ये कर्ता कारक आई है, ये कर्ता कारक यानी नोमिनेटिव केस में यानी प्रथम पुरुष बोलने वाला वो कर्ता हो गया भाई। तो इसका जब हम पोजेसिव केस बनाएंगे तो पोजेसिव अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो आई का माई हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव पोजेसिव है तो, अगर पोजेसिव प्रोनाउन है तो माइन हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में जब हम जाएंगे तो आई माई माइन मी हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये घूमेगा अभी हम लोग जब बनाएंगे सेंटेंस तो हमको पता चल जाएगा कि किस तरह से अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव केस में है तो वो ऑब्जेक्ट है, और उसको नोमिनेटिव केस में बनाएंगे तो कैसे हमारा मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में, इस बात को भी हम जानेंगे। तो इसी तरह से अगर ये सिंगुलर पर्सन है और ये बहुवचन में है, जैसे वी है तो बहुवचन हो गया, तो वी आवर, आवर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा पोजेसिव केस में, और ये पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर्स, और अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस में पहुँच जाएगा। और इसी तरह से हमें आइए यू के बारे में चलते हैं, तो काफ़ी मतभेद है कि ये सेकंड पर्सन है, मतलब यू सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर अकेले आप हो तो आपको सिंगुलर माना जा रहा है, यू आप अकेले हमारे सामने हो तो सिंगुलर पर्सन सिंगुलर हुआ, और तो यू का योर, और ये पोजेसिव प्रोनाउन हमारा हो जाएगा योर्स और यू, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और थर्ड पर्सन में जब हम जाएंगे तो आप जानते हो कि ही सी इट दे, ही सी इट जो है सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन है, तो ही का हमारा हिज हो जाएगा, और यह भी हिज ही रहेगा और हिम हो जाएगा, और सी का हर, और ये हम जानते हैं पोजेसिव प्रोनाउन जब दर्शाया जाएगा तो हर्स हो जाएगा, और ये हर हो जाएगा, और इट इट्स, और इट ही रहता है, और वह वचन है दे तो दे देयर देयर्स और देम हो जाता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक बात और भी आप जानते हो कि जितने भी नाउन होते हैं यानी कोई भी नाम है तो वो हम मतलब थर्ड पर्सन में ही काउंट करते हैं। तो ये तो रही हमारी संक्षिप्त परिचय यानी इस चार्ट से रिलेटेड, और ये चार्ट कैसे हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पर्सन को चेंज करने में, एक एक को स्टेप बाय स्टेप करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पर्सन है यानी प्रथम पुरुष है वो भाई
मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तो सबसे ज्यादा अहमियत तो मेरी है, सबसे बड़ा मर्तबा मेरा तो है, तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब में जो, इसमें तो भाई चेंजिंग तो आपको करनी नहीं है, आप ये जानते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो प्रोनाउन आया हुआ है वो नहीं चेंज होगा। इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन आया है उसको चेंज होना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो आप इस एक एक वाक्य को हम लोग क्लियर करके समझेंगे, हम आई को लेंगे, वी को लेंगे, इसी तरह से ही, सी, इट, हर, यू, सबको सिस्टम से एक एक करके हम लोग एक एक एग्जाम्पल की मदद से क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। यह भी आप ध्यान रखिएगा, ये सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि आई जो हमारा है किन परिस्थितियों में हम देखेंगे कि सीधे सीधे चेंज होगा, किन में चेंज नहीं होगा। जैसे आई को हमको लेके जाना है यहाँ पे, थर्ड पर्सन में लेके जाना है और सेकंड पर्सन को भी थर्ड में लेके जाना है, फर्स्ट और सेकंड में ही चेंजिंग होगी, थर्ड में तो कोई चेंजिंग होनी नहीं है भाई। अरे मैं हूँ, आप हो, तो हम ही दोनों तो कोई बात आपस में करके अपना चेंजिंग कर सकते हैं, जो थर्ड यहाँ है ही नहीं तो उसमें क्या चेंजिंग करनी है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी हम इसको लॉजिकली और ट्रिकली समझेंगे और एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा कि कैसे इसमें चेंजिंग नहीं होती है और किस में चेंजिंग होती है। तो ये सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए एक वाक्य हमने लिया है, आई से टू देम, आई सेट, हमने शुरू में ही बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए इस तरह के वाक्य हम चुन रहे हैं ताकि आपका दिमाग जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस को चेंज करने पर ना लगे, स्पेशली आपका माइंड जो है पर्सन की चेंजिंग को समझने की कोशिश करें। तो आइए हम देखते हैं एक वाक्य को, आई से टू देम, आई से टू देम, मैंने उनसे कहा, क्या कहा भाई, आप जानते हो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, आई हेल्प यू, आई से टू देम, मैंने उनसे कहा, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट। अब इसको इनडायरेक्ट का अगर सेंस हम पकड़ें तो हम क्या कहेंगे भाई, मैंने उनसे कहा कि मैं, अब देखिएगा आई हेल्प यू, तो क्या यू का यू ही रहेगा, मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी मदद करूंगा, सेंस पकड़ रहा है कि नहीं, उनकी करूंगा। तो अब देखें क्या हो जाएगा यह वाक्य, इसके पहले मैंने आपको बताया है कि ये टेल या टेल्स में कन्वर्ट होता है अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो अब इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा भाई, इसका ये बनेगा आई टेल, आई टेल देम, टू मत लगा देना भाई, टू हट जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, आई टेल देम। अच्छा ये डबल कामा और डबल कामा हट जाता है, हम एसर्टिव की ही पहले बात कर रहे हैं, समझने की बात कर रहे हैं, आई टेल देम दैट, अब देखो आई, तो देखो आई से टू देम, आई हेल्प यू, तो आई फर्स्ट है भाई, मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यही तो होगा कि मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी मदद करूंगा, तो हो जाएगा आई टेल देम दैट, आई का आई ही रहेगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट आई है इसलिए आई ही रहेगा, आई टेल देम दैट, आई हेल्प, हेल्प। और आप जानते हैं यह यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यह यू जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी इसका ऑब्जेक्ट आई से टू देम, तो देम, तो देम जो है दे देयर देम रहा होगा, तो ये देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू हमारा, तो क्या हो जाएगा आई टेल देम दैट आई हेल्प देम, आई टेल देम दैट आई हेल्प देम।
अब हम लोग आते हैं दूसरे की तरफ, चलते हैं। तो यहां क्या हो गया, आई टेल देम दैट आई हेल्प देम, मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी मदद करूंगा। अब आ जाइए आगे, दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं। फिर हमने यहां आई लिया है, आई सेड टू माय फ्रेंड मैंने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, आई लव यू, कि मैंने अपने मित्र से कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। तो आप थोड़ा सेंस लगाओ भाई, मैंने अपने मित्र से कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। तो अब इसका जब सेंस पकड़ेंगे तो यही तो होगा इनडायरेक्ट में, कि मैंने अपने मित्र से कहा कि मैं उससे प्रेम करता हूं। तो क्या हो जाएगा, आई टेल माई फ्रेंड दैट, अब आई का आई रह जाएगा, आई लव। देखिएगा मित्र एक है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, तो आई टेल माई फ्रेंड दैट आई लव, ये सेकेंड पर्सन है। तो क्या हो जाएगा, ये इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी फ्रेंड, तो मित्र क्या है, ही है, तो हिम हो जाएगा। आई टेल माई फ्रेंड दैट आई लव हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यह भी ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा भाई। ठीक, एक और वाक्य लेते हैं आई का ही, यू से टू मी। अब देखिए हमने यहां पे ये सब्जेक्ट है इसको चेंज कर दिया, फर्स्ट पर्सन हम देख रहे हैं किसके अनुसार बदल रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। अब देखते हैं, यू से टू मी, तुम मुझसे कहते हो आई नीड योर हेल्प, कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम मुझसे कहते हो कि आई नीड योर हेल्प, कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो आप इसका हिंदी सेंस पकड़ो भाई, तुम मुझसे कहते हो कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, यही तो हुआ। तो अब देखें इसको पकड़िए, तो ये हो जाएगा हमारा, यू टेल मी दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदल जाएगा, फर्स्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई है तो यह चूंकि यू है, यू टेल मी दैट आई नीड योर हेल्प, यू से टू मी, तुम मुझसे कहते हो कि आई नीड योर हेल्प। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुझसे कहते हो कि आई नीड योर हेल्प, यानी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तो यू टेल मी दैट यू हो जाएगा, यू नीड योर का क्या हो जाएगा भाई, माई हेल्प। यू टेल मी दैट यू नीड माई हेल्प। एक और वाक्य लेते हैं, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है आई एम योर फ्रेंड, राम मुझसे कहता है। फिर देखिए यहां पे आई है तो अब ये किसके अनुसार बदलेगा भाई, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी राम के अनुसार बदलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा राम टेल्स मी दैट। अब आई का क्या हो जाएगा, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो इसका ये राम है, फर्स्ट ही तो है, तो ये हो जाएगा दैट आई, राम चूंकि नाम है इसीलिए वो थर्ड पर्सन में हो जाएगा, यानी प्रोनाउन ही हो जाएगा। देखिए यही आई तो लेके आना है थर्ड पर्सन में भाई, तो लड़का है तो ही तो हो जाएगा। इस चार्ट को पकड़िए, यानी आप देख रहे हैं कि सीधा आ रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे, अभी आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन में ही रहा दोनों में, तो हमने चेंजिंग नहीं किया। यहाँ भी देखिए, यहाँ हमने फर्स्ट पर्सन यहाँ देखा आई था तो आई ही रहा, देख लीजिए दोनों जगह फर्स्ट पर्सन में ही रहा दोनों जगह, तो हमने चेंजिंग नहीं कहा किया आई का, मेरी बात है तो मेरी ही तो बात है भाई, तो उसमें चेंजिंग कैसी, तो आई का आई ही रह गया। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही यह सेकंड पर्सन आया तो ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है और यहाँ चेंज हो गया, यानी सेकंड है या थर्ड है जो भी है, तो ये इसके अनुसार चेंज होगा। तो आई का क्या हो जाएगा, यू टेल मी दैट यू नीड योर का, चूंकि यू के अनुसार योर था, तो अब आई के अनुसार भाई क्या हो जाएगा, यू टेल मी दैट
यू नीड माई हेल्प, माई हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो हो जाएगा राम टेल्स मी दैट आई, कब क्या हो जाएगा ही इज, टेंस देखिए नहीं बदल रहा, उसी टेंस में हो रहा है, ही इज माई फ्रेंड। राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है आई एम योर फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो यही तो होगा, राम मुझसे कहता है कि वह मेरा मित्र है। राम टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। ठीक, एक और वाक्य लेते हैं, सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो अब क्या हो जाएगा, सीता टेल्स मी दैट। अब देखिए आई का अब क्या हो जाएगा, सीता के अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो अब ये आई हमारा क्या हो जाएगा, सी इज, सीता सेज टू मी, सीता मुझसे कहती है आई एम योर फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी मित्र हूं। सीता मुझसे कहती है कि वह मेरी मित्र है, यही तो हुआ, सीता टेल्स मी दैट सी इज माई फ्रेंड। ठीक, एक और वाक्य लेते हैं, राम सेज टू सीता, अब यहां देखिए हमने चेंज कर दिया, राम कर दिया और ये इधर ला दिया, राम सेज टू सीता आई एम योर फ्रेंड, तो अब यहां क्या हो जाएगा भाई, राम टेल्स सीता दैट, अब आई का क्या हो जाएगा, आई का देखिए राम के अनुसार बदलेगा, तो राम थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन देखो भाई ये ही यूज तो होगा, तो राम टेल्स सीता दैट ही इज, अब माई का अब क्या हो जाएगा, यहां लिख रहा है ना राम सेज टू सीता आई एम योर फ्रेंड, तो राम टेल्स सीता दैट ही इज योर का यहां पे क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड। ठीक, तो इस तरह से ये बन रहा है। एक और वाक्य लेते हैं, इसी को हमने चेंज कर दिया, सीता सेज टू राम आई एम योर फ्रेंड, अब हम सीता कर दिए, तो अब ये आई कैसे बदलेगा भाई, ये सीता के अनुसार बदलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीता सीता टेल्स राम दैट, अब आई किसके अनुसार बदल जाएगा, सी के अनुसार बदल जाएगा, दैट सी इज, अब यहां पर हर योर का क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, क्योंकि राम के अनुसार बदल रहा है भाई, हीज फ्रेंड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, दे से टू मी वी हेल्प यू, तो देखे पुनः हमारा थर्ड फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया, अब ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा भाई, दे के अनुसार बदलेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, दे टेल मी दैट, अब वी का क्या हो जाएगा भाई, दे से टू मी, वे मुझसे कहते हैं कि वी हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वे मुझसे कहते हैं कि वे लोग मेरी मदद करेंगे, यही तो होगा, तो दे टेल मी दैट दे हेल्प, अब यू है सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा भाई, तो दे टेल मी दैट दे हेल्प हेल्प मी, वे मुझसे कहते हैं कि वे मेरी मदद करेंगे। एक और वाक्य लिखते हैं, माई फ्रेंड्स से टू मी, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं, माई फ्रेंड्स है ये, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं वी लव यू, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स टेल मी दैट, अब वी का क्या हो जाएगा भाई, माई फ्रेंड्स के अनुसार दे लव, यू का क्या हो जाएगा भाई, मी। ठीक, और वाक लेते हैं, दे से टू मी वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, तो क्या हो जाएगा, दे टेल मी दैट, वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी हो जाएगा। ठीक,
वी से वी शुड सेटल इट, अभी हम देख रहे हैं कि वी ही है, ये वही चीज है, वी यहां पे भी है, थर्ड में हम जाएंगे तो वी ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा, वी से वी शुड हो जाएगा, शुड सेटल इट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वह रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदल रहा है। अभी तक हमने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में चेंजिंग देखा कि किस तरह से वह रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार चेंज हो रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब का अगर फर्स्ट पर्सन है यानी उसका नोमिनेटिव केस में है तो उसका सब्जेक्ट जो है आई है कि यू है, यानी फर्स्ट पर्सन में है कि सेकंड पर्सन में है कि थर्ड पर्सन में है, उसके अनुसार रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन हो रहा है, ये बात हमने देखा। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आता है तो उसमें कैसे चेंजिंग होती है, और इसके बाद से हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन में तो कोई चेंजिंग ही नहीं होती है। तो अभी तक हमारे समझ में आपके आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आया हुआ है, चाहे वो आई हो चाहे वी हो, वह रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आए हुए जो सब्जेक्ट है, चाहे वो सब्जेक्ट जो भी रहा हो, चाहे ही हो सी हो इट हो, यानी फर्स्ट पर्सन में हो सेकंड पर्सन में हो थर्ड पर्सन में, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी चेंजिंग हो जा रही है। इन सारे एग्जांपल से ये बातें हमने देखा। अब हम देखते हैं कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ रहा है वो कैसे बदलेगा। हम जानते हैं कि रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। अब आइए देखते हैं हम सेकंड पर्सन में परिवर्तन। अभी हमने देखा फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हुआ। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आया हुआ सेकंड पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ही सेज टू मी यू आर माय फ्रेंड, तो अब क्या हो जाएगा भाई, ही टेल्स मी That, अब यू का क्या हो जाएगा, यह सब्जेक्ट है यानी यह इसके ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार हो जाएगा। He says to me, वह मुझसे कहता है यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, तो यही तो होगा, वह मुझसे कहता है कि मैं उसका मित्र हूँ, तो ये हो जाएगा He tells me that, यू का क्या हो जाएगा, I am माई का क्या हो जाएगा, आई एम हिज फ्रेंड, ठीक है, वह मुझसे कहता है कि मैं उसका मित्र हूं। एक और वक्त देखते हैं। अब यहां पे हमने राम ले लिया, जैसे मान लीजिए राम सेस टू रानी, राम ने रानी से कहा यू वेयर टीचिंग माई सिस्टर, तो क्या हो जाएगा, राम टेल्स रानी दैट, अब यू वेयर, तो यू भाई क्या है, सेकंड पर्सन है तो यह रानी के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। राम सेट टू रानी दैट यू का मतलब रानी के अनुसार सी हो जाएगा, दैट सी वाज हो जाएगा, वाज टीचिंग और माई का यानी राम कह रहा अपने अनुसार ना, तो टीचिंग हिज सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और वाक्य देखते हैं। ही सेज टू माई मदर, वह मेरी माँ से कहता है यू शुड हेल्प मी बिकॉज आई एम वेरी पुअर, तो क्या हो जाएगा, ही सेज टू माई मदर, तो हो जाएगा ही टेल्स माई मदर। अब क्या बताता है भाई, That you, तो you second person है यानी आप object के अनुसार mother यानी she यानी मेरी माँ को she should help me, तो ये ही की बात कर रहा है ना, तो help him because I am यानी He is very poor, ठीक है।
तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा आप ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, यह इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो भी हो, जैसे हम मी है तो आप देख रहे हैं कि नोमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू इसको ऑब्जेक्टिव केस को नोमिनेटिव में लेना पड़ेगा, और नोमिनेटिव यानी यू हमारा नोमिनेटिव में जाएगा, कर्ता कारक में जब भी कोई बनेगा तो नोमिनेटिव में जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पर्सन में परिवर्तन, और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आइए उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या होता है। हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन तो यहाँ है ही नहीं, तो इसमें कोई परिवर्तन का कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो है देयर इज नो चेंज। अभी हम इसको एक ट्रिक भी देखते हैं और ये बिल्कुल इसका समअप करते हैं। थोड़े देर और आप इस लेक्चर पे बने रहिए। देखिए, आई से ही इज ए रिच मैन, तो देखिए यहाँ हमने रिपोर्टिंग वर्ब में ही रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में ही चेंजिंग होनी है, आप जानते हो। तो आई से ही इज ए रिच मैन, तो क्या हो जाएगा भाई, आई से दैट ही का ही रह जाएगा, ही इज ए रिच मैन। ठीक, आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदल रहा, पर्सन नहीं चेंज हो रहा है। यू से अब हमने यू कर दिया यहाँ पे, देखिए, और यहाँ पे थर्ड पर्सन ले लिया, ही की जगह पे सी ले लिया, तो यू से तो यू हो जाएगा, यू से दैट, यू से तुम कहते हो, सी इज ब्यूटीफुल, तो तुम कहते हो कि वह सुंदर है, तो वह सुंदर है भाई। यू से दैट सी इज ब्यूटीफुल, तो आप देख रहे हैं यहां भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ही सेज टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट, यहां पे दे लिया है, दे का दे ही रह जाएगा, दे आर गैम्बलर, दे आर गैम्बलर। He says to me, they are gambler. तो हो जाएगा, he tells me that they are gambler. उसने मुझे बताया कि वे gambler हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह की changing जो है आ रही है person में। यानी अगर हमारा first person है तो वो reporting verb के subject के अनुसार बदलेगा, और सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और अगर थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो देयर विल बी नो चेंज। इस तरह से हमको क्या समझ में आया, इसको आइए हम सम अप करते हैं। सम अप का मतलब आपको पुत्र को बुलाना पड़ेगा, सन याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सन जो है एक दो तीन, ठीक, जो आप फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है जो व्यक्ति, वो पहला व्यक्ति जो है उसका जो पुत्र, ऐसे मेरा, मैं हूं फर्स्ट पर्सन, तो मेरा पुत्र तो मेरी ही बात सुनेगा भाई। यानी फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का परिवर्तन किसके अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा। ये बात, यस माने सब्जेक्ट होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अब आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपका बेटा आपकी बात मानेगा ना, हमारा क्यों मानेगा। तो यानी सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो किसके अनुसार बदलेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यानी आप दूसरी पर्सन हो तो आपका बेटा आप ही की बात मानेगा, तो यानी यह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और हम दोनों का, मेरा फर्स्ट पर्सन हूँ तो मेरा बेटा मेरी बात मान रहा है, आप सेकंड पर्सन हो, आपका बेटा आपकी बात मान रहा है, और थर्ड पर्सन जो यहाँ है ही नहीं तो वो हम दोनों की बात क्यों मानेगा भाई। इसीलिए यन फॉर देयर विल बी नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इन सारी चीज़ों को यही हमने देखा कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बदलता है, जो हमारा रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब में है उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदला अभी हम लोगों ने देखा। और अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वह आप वो जो है हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला, और थर्ड पर्सन जो है हमने देखा कि कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, आप देख रहे हो
किस तरह से फर्स्ट पर्सन आई और वी रह रहा है और रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में भी वही बात रह रही है, तो वहाँ चेंजिंग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे बदलता है तो आई को हम थर्ड पर्सन की तरफ लेके जाते हैं खींच करके, चाहे ही सीट या दे जैसी भी परिस्थितियाँ बने, और वी को भी हम थर्ड पर्सन में खींच करके यानी सीधा सीधा आ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से पोसेसन का अधिकार माई आवर या योर्स या हीज या हर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमेशा हमको क्या करना है भाई, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। वो ऑब्जेक्ट का नोमिनेटिव या क्या है, कैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार हम चेंज कर लेते हैं। यानी जब भी फर्स्ट पर्सन की बात आएगी तो पहला बेटा आएगा, और सेकंड पर्सन की बात आएगी तो दूसरा बेटा आएगा, और थर्ड पर्सन की बात आएगी तो तीसरा आएगा, वो किसी का नहीं सुनेगा, वो अपना मनमाना करेगा। तो एक और एग्जांपल की मदद से आइए हम समझ लेते हैं। जैसे ही सेज, हम सेड ले लेते हैं, ही सेड टू मी I am going to देवरिया, बोल दिया, ठीक है। चलिए, तो आप देख रहे हो कि आई जो है फर्स्ट पर्सन का है, कि इसके अनुसार बदलेगा पहला बेटा के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, अब आई क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, he said to me आई एम गोइंग टू देवरिया, उसने कहा कि मैं देवरिया जा रहा हूँ, तो यही तो आप कहेंगे कि उसने कहा कि वह देवरिया जा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू देवरिया, गोइंग टू देवरिया हो जाएगा भाई। अब मान लीजिए यहीं पे मैं यू कर दूं, यहां पे यू कर दूं, ही सेड टू मी, अब मान लो कर दूं ही सेड टू मी, अब यहां पे कर दूं यू आर गोइंग टू देवरिया, तो क्या हो जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी दूसरा बेटा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी हम देख रहे हैं कि तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, अब यू क्या होगा भाई, ये नोमिनेटिव केस में है, तो अब यह ऑब्जेक्ट इसका मी है, इसको नोमिनेटिव में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यह दैट ही टोल्ड मी दैट, यू का क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू देवरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने ही रख दिया, सपोज कर लीजिए कि ही सेड टू मी ही इज गोइंग टू देवरिया, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट He was going to Devariya। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो भी आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन का जब प्रोनाउन आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, वो ऑब्जेक्ट किस तरह, अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में है कि तो उसको नोमिनेटिव केस में लेना पड़ता है, और अगर थर्ड पर्सन का है तो वहाँ तो भाई बवाल ही खत्म है, वहाँ बिल्कुल चेंज ही नहीं करना है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट चेंज इन द पर्सन, हमारे समझ से ये बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से इसके टेंस में परिवर्तन होता है।